गुड मॉर्निंग गाइस, आज 2023 का आखिरी दिन है जो हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की हमारी जो भी रूटीन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। अभी हम देखते हैं कि उस्मान क्या कर रहे हैं और आज हमारे दिन की क्या रूटीन होती है, वो सब हम आपको दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कल उस्मान ने मुझे शॉपिंग कराई, जो शूज मेरे लिए लिए हैं वो ये वाले हैं। उम्मीद आप लोगों को पसंद आएंगे। ये पहन के मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं। आज मैं जैसे ही पराठे बनाने लगी मैंने देखा जी सिलेंडर ही खत्म है। आप लोग घरों में भी ऐसा होता है? चलो मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं, फिर अच्छा मौका मुझे मिल गया, बाहर जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं तो वॉक भी करते हैं, हमारे साथ में वॉक भी आज हो जाएगी। और हमारे घर के नज़दीक यहाँ पे कोटा चमन कैफे है जहाँ के पराठे बड़े मशहूर है और हमें वहाँ के पराठे खाने बड़े पसंद है, तो आपके साथ वो पराठे भी शेयर करेंगे, ठीक है? और मैं जा रही हूँ, उस्मान जा रहा है, मुआज जा रहा है, हम तीनों वॉक करके जा रहे हैं। आज वेदर देखें, वेदर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त, हल्की हल्की धूप निकली हुई है और बड़ा अच्छा वेदर है। और इसी मैंने कहा इस वेदर का क्यों ना हम लोग फ़ायदा उठाएं। वो मैं बताऊंगी, वो कल जो है, तो आज मैंने ये वाला ड्रेस इसलिए पहना के आज जो हम लोग जिस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं ना उस हिसाब से यही सूट है। कोयटा कैफे पहुंच गया है, ये देखिए कितना खूबसूरत है कोयटा कैफे। ये इनका फैमिली हॉल है और आजकल कोयटा कैफे भी इतने ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत मॉडर्न हो गए हैं। ये ग्रीनरी कितनी अच्छी लगाई हुई है। ब्रेकफास्ट आ चुके हैं, अभी हम नाश्ता करने लगे हैं, नाश्ता करके फिर अब हम वहाँ पे मिलते हैं। नहीं, हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। हम आज के लिए फ्राइज मंगवाए और मैं भी अभी नाश्ता करने लगी। ब्रेकफास्ट कर लिया है, उस्मान से रिव्यू लेना है। हाँ बताएं जी कैसा लगा आपको? अच्छा था है? खाना अच्छा था, इनका खाना हमेशा की तरह पराठे इनकी स्पेशलिटी है। तो आपको पता ही है कोयटा की सौगातों में से इनकी सौगात है क्या पराठा चाय। एंजॉय किया। चले ठीक है जी, इनके तो रिव्यूज अच्छे हैं इस चीज में। अभी हम लोग घर की तरफ चलते हैं। ये जी देखिए बच्चे बाहर फुटबॉल खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर बैठे होते हैं। थोड़ा सा ना अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नजरें रखा करें क्योंकि आजकल का जो एनवायरनमेंट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी मैं पीछे देख रही थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ना कुछ बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग कर रहे थे और बड़े बड़े बच्चे उनके साथ बैठे होते हैं। इन चीज़ों को आप नज़र रखा करें, वालदैन उनको घर से बाहर भेजा करें, तो कम अज़ कम अपनी नज़रों में रखा करें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बच्चे अक्सर जो होते हैं ना अपने बेनिफिट्स के लिए ना छोटे बच्चों को बाज़ दफ़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे को तो पता नहीं होता अच्छा क्या है बुरा क्या है। हाँ तो प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें।